स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आई एस चैनल पर और मैं हूँ ऋचा। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना बॉन्ड। तो चलिए देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में इटालियन प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन द्वारा कोरोना बॉन्ड जारी करने का क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, इसके बाद यूरो जोन के वित्त मंत्रियों ने 540 बिलियन यूरो की क्या है आपातकालीन बचाव पैकेज का पर विचार विमर्श किया। हालांकि इस विचार को यूरोपीय संघ के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। नेक्स्ट है, कोरोना बॉन्ड आखिर है क्या। तो कोरोना बॉन्ड कोरोना वायरस संकट के बीच यूरो जोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने के लिए एक संभावित प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, कोरोना बॉन्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण होगा जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस द्वारा पीड़ित यूरो जोन देशों को क्या है वित्तीय राहत प्रदान करना है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप के लिए ऋण की आपूर्ति यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, कोरोना बॉन्ड की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो कोरोना बॉन्ड का लाभ यह है कि ये यूरोपीय देशों को आवश्यक वित्तीय सहायता देगा। नेक्स्ट, राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन फंडों के माध्यम से राज्य सरकारी खर्च बढ़ाकर कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए राहत प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र एकता का प्रदर्शन करने में सक्षम हुए तो इसमें यूरोप के बीच विश्वास मजबूत होगा और उन्हें कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक संकट से भी उभरने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, तो आखिर इस बात पर विवाद क्यों है। तो यूरोपीय संघ के 9 देश कोरोना बॉन्ड को जारी करने का आह्वान कर रहे हैं जिसमें स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस और स्लोवेनिया शामिल है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ईयू के सभी देश इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल हैं जिनमें यूरोपीय संघ के राज्यों में फ्रूगल कोर के रूप में क्या है माना जाता है। नेक्स्ट, इन देशों की राय है कि वित्त एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। इसके अनुसार ईयू के प्रत्येक देश में वित्त का प्रबंधन स्वयं आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट, दशकों तक जर्मनी ने स्वार्ज नल यानी ब्लैक जीरो डेट ब्रेक पॉलिसी लागू की जिसके अनुसार किसी भी परिस्थिति में सरकार को जनता से उधार लेने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि फरवरी में जर्मनी ने यह घोषणा की थी कि इस नियम को स्थगित कर देगा। नेक्स्ट है, मार्च में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अगले 9 महीने तक अपने परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम यानी एसेंट परचेज प्रोग्राम का विस्तार 750 बिलियन यूरो करने का फैसला किया। लेकिन समस्या यह थी कि आर्थिक मंदी के दौरान उत्तर में अमीर सदस्यों और दक्षिण में गरीब राज्यों के बीच बोझ का बंटवारा किस आधार पर होगा, यही समस्या कोरोना बॉन्ड में भी आई है। नेक्स्ट है, आखिर इसमें चुनौतियां क्या आ रही हैं। तो कोरोना बॉन्ड का एक नुकसान यह है कि यह आवश्यक रूप से ऋण स्थिरता में वृद्धि नहीं करेगा। नेक्स्ट, यह अवधारणा केवल भविष्य की कर्ज माफी में मदद करेगी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामान्य बॉन्ड के कार्यान्वयन में भी बहुत समय लग जाता है और इस प्रकार की देरी उन देशों के लिए सही नहीं है जिन्हें तुरंत धनराशि की आवश्यकता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरोना बॉन्ड कोरोना वायरस संकट के बीच यूरो जोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने की एक संभावित प्रस्ताव है। नेक्स्ट, राज्य सरकारों का कहना है कि राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा केवल एक। कैसे, इसकी व्याख्या पर विचार कर लेते हैं। तो अगर इसकी हम व्याख्या की बात करें तो कोरोना बॉन्ड यानी कोरोना वायरस संकट के बीच यूरो जोन के वित्तीय संघर्ष को कम करने के लिए संभावित प्रस्ताव है, लेकिन वहीं राज्य अपने राष्ट्रीय ऋण का विस्तार किए बिना आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
इसलिए कथन दो जो है वो असत्य है, जबकि कथन एक सत्य है, इसीलिए आंसर ए क्या होगा, सही होगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। और अभी तक अगर आप लोगों ने राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और लाइक और शेयर करिए। और कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं।